ऐ वतन मेरे वतन, आई विश यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जय हिंद जय भारत। सो इंडिपेंडेंस डे हो अरुष की रसोई पे कोई स्पेशल रेसिपी ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो चलिए बनाते हैं। सो मैंने यहाँ पर ले लिया है पैन और उसमें डाल दिया हाफ टेबल स्पून घी, और अब जो भी मैं मेज़रमेंट लूँगी सारा इस कप से लूँगी। आपके पास भी एक कप होती है घर पे, तो आप सारा मेज़रमेंट इस कप से लीजिएगा। तो 2 कप मैंने ले लिया है यहाँ पर सूजी, इसको हम करेंगे रोस्ट। उस कप से मैंने 2 कप सूजी ले लिया था, तो इसको हम 5 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे, क्योंकि सूजी को भुनने में थोड़ा टाइम लगता है, और इसे हम तब तक करेंगे जब तक ये गोल्डन ना हो जाए, कुछ इस तरीके से। आप देख लेना अच्छे से, बहुत ज़्यादा आपको जलाना नहीं है, और सारे प्रोसेस को आप लो फ्लेम पे करिएगा। तो ये हो गया है, अभी हम करेंगे जो हमने कोकोनट लिया था गरी का बुरादा, ये आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगा, इसको भी हम रोस्ट करेंगे इस तरीके से। और इसको हमको ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत जल्दी हो जाती है रोस्ट, और इसमें कोई ऐसा कलर गोल्डन सा नहीं लाना है, बस इसका बस 1 मिनट से एकदम धीरे धीरे आपको चलाना है लो फ्लेम पे, और ये हो जाएगा रोस्ट। जब आप हाथ में इसको छुएंगे तो थोड़ा सा आपको क्रिस्पी क्रिस्पी सा लगेगा, तो आप समझ जाना कि ये हो चुका है, तो आप फ्लेम को बंद कर देना। तो अभी हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। तो अभी मैंने ले ली कढ़ाई, और उसी सेम कप से जो मैंने बताया था उसी सेम कप से मैंने ले लिया 1 कप मिल्क, और उसी सेम कप से हम लेंगे 1 कप शुगर। हमको यहाँ पर शुगर ज़्यादा लेनी, तभी चाशनी जो है वो बन पाएगी, और तभी जो हमारी बर्फ़ी है वो जम पाएगी अच्छे तरीके से, वरना बर्फ़ी जो है वो टूट भी सकती है। और मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पता नहीं है, बट आप इसे एंड तक देखिए, और जब आपकी चाशनी इस तरीके से हो जाए ना, तो आप समझ जाना कि चाशनी जो है बिल्कुल तैयार है। तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे 1/2 कप सूजी और 1 कप कोकोनट, उसी कप से हम सारा मेज़रमेंट ले रहे हैं, इससे बहुत अच्छे तरीके से बनेगा, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होगा। और इसे हम करेंगे मिक्स, और यहाँ पर केवड़ा भी डाल दो 2 ड्रॉप, तो इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी, फ्लेवर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और अगर आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, लेकिन कट करके डालिएगा, बिल्कुल छोटा छोटा कट करके डालिएगा। तो इसको हम पकाएंगे, और हमें कैसे पता चलेगा कि ये पक गया, जब ये पक जाएगा तो ये जो बॉटम है ना, ये इससे अलग हो जाएगा, जो हलवा है वो चिपकेगा नहीं, अभी जैसे चिपक रहा है ना ये थोड़ा थोड़ा, तो नहीं होगा। ये हो गया बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो मैंने ले लिया एक प्लेट, और इसको मैं कर रही हूँ ऑयलिंग, अच्छे तरीके से ऑयल लगा देंगे किनारे किनारे तक। इसमें ये है हमारा बर्फ़ी का मोल्ड, इसमें ही हम जमाएंगे अपनी बर्फ़ी को। तो ये आप ऐसे कर लो फटाफट से, और कढ़ाई काफ़ी गर्म थी और मैंने छू ली उसको हाथ से, तो ऐसे काफ़ी आप केयरफुल होकर आप कुकिंग करा करिए। तो सारे हलवा को मैंने प्लेट में रख दिया है, अब मैं इससे से कर रही हूँ टैप टैप, बट इससे चिपक रहा है तो मुझे हाथ से करना पड़ेगा। तो मैंने हाथ में लगा लिया है ऑयल इस तरीके से, और मैं इससे करूँगी, आप बहुत केयरफुल होकर करना क्योंकि ये बहुत गर्म था। आप कोई कटोरी वगैरह ले लेना, फ्लैट कटोरी, फ्लैट कुछ भी आप ले लेना, कोई ढक्कन वगैरह, क्योंकि इससे ना मेरा हाथ काफ़ी जल रहा था, मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, ये अम्मी ही बनाती थी ज़्यादातर। तो ये बन के तैयार है, इसको हम रख देंगे साइड में और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। सो फिर से मैंने ले ली कढ़ाई, उसी कढ़ाई में मैंने डाल दिया मिल्क, और उतना ही मैंने डाल दिया 1 कप शुगर, और फिर केवड़ा, और यहाँ पर हम डालेंगे ग्रीन का फूड कलर, ये आपके पास होगा तो आप ग्रीन फूड कलर ले लीजिएगा, नहीं होगा तो मार्केट से ले लीजिए। इसको भी हम सेम प्रोसेस से पकाएंगे, इसकी भी हम चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी जो है वो बनके तैयार है, अब हम वहाँ पर सेम प्रोसेस फिर से करेंगे। फिर मैंने डाल दी 1/2 कप सूजी, और उसके बाद डाल देंगे 1 कप कोकोनट, इसको भी अच्छे तरीके से मिलाएंगे। और मिलाते मिलाते अगर आपको ये लगता है कि आपका मतलब ये जो थोड़ा सा ड्राई ड्राई बन रहा है, तो आप यहाँ पर 2-3 टेबल स्पून मिल्क ऐड कर सकते हैं, आप कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, तो ये बिल्कुल ठीक बन जाएगा अच्छे से। तो इसको भी मैं एक प्लेट में रख दे रही, प्लेट को मैंने पहले से ग्रीस कर लिया था, और इसको भी इस तरीके से हम हाथ से टैप टैप कर लेंगे, ऐसे फ्लैट कर लेंगे हाथ से, बहुत ही केयरफुल होके। और मैं सबटाइटल्स नहीं डाल रही क्योंकि मैं पहले भी सारी प्रोसेस बता चुकी हूँ। तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। फिर से मैंने कढ़ाई ले ली, लेकिन इस बार कढ़ाई को धो लिया क्योंकि हमने ग्रीन बनाया था ना इसके पहले। तो फिर सेम से प्रोसेस वही कि मिल्क डालो, शुगर डालो, केवड़ा डालो, अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा, बस एक चेंज है कि यहाँ पर मैंने सैफरन कलर का फूड कलर डाला है। तो कितना प्यारा कलर आ रहा है ना जब ये मिल रहा है मुझे, तो बहुत अच्छा लग रहा था गाइस। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, आज तो कर ही लेना इसको। तो चाशनी तैयार है, और फिर मैंने डाल दिया सूजी, फिर हम डाल देंगे यहाँ पर कोकोनट, और बस इसको मिलाएंगे। तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है, बट हाँ ये है कि
आज हम ट्राई कलर का बनाएंगे तो कितना प्यारा लगेगा। एक बार आप बना के इसको अपने फ्रेंड्स वगैरह को दिखाओगे, अपनी फैमिली में खिलाओगे तो आपकी फैमिली बहुत खुश हो जाएगी। तो बन गया ये, इसको भी हम कर लेंगे एक प्लेट में, अच्छे से शेप दे देंगे और इसको हम कट कर लेंगे ऐसे बर्फ़ी के शेप में, एक नाइफ से अच्छे से कट कर लेंगे। आप कोई भी शेप देना चाहो आप दे सकते हो जो आपको अच्छा लगे। तो बस ये तीनों बनके तैयार हैं। तो हमारी बर्फ़ी जो है वो बनके तैयार है। माशाल्लाह से निकालते टाइम थोड़े से टूट गए थे, आप थोड़ा ध्यान से निकालिएगा। तो बस ये बनके तैयार हैं। तो इसके लिए आज इंडिपेंडेंस डे है और इस रेसिपी के लिए आप लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जय हिंद, वंदे मातरम ये ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, इस रेसिपी को शेयर करिए। सो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, आई लव यू ऑल।